फाइनली खुल गया गेट बहुत कोशिश करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज मैं मम्मी के साथ मौसी के घर आया था, तो मौसी का नया मकान बन रहा है, तो मकान देखने के लिए मैं मकान की छत पे आया। और छत से मेरे को बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा बड़ा गढ़ दिखाई देते, जो पुराने ज़माने में किले हुआ करते थे। तो मेरा भी उधर जाने का मन हुआ, तो मैं सोचा क्यों ना आपको भी दिखा देता हूँ। तो चलो पहले दूर से दिखा देता हूँ, बाद में अंदर जाके भी आपको मैं दिखाऊंगा। गारुदा पोर्ट के मुख्य द्वार तक जाने के लिए हमें गारुदा के मेन मार्केट में जाना होगा, लेकिन हम उससे पहले एक गली आती है उससे निकल लेंगे, क्योंकि उस गली के पीछे से पूरी बाउंड्री है गेट की और पीछे का द्वार भी। तो हम उसी रास्ते से जाके आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो थोड़ी दूर घूमने के बाद फिर मैं इसी गेट के पास आ जाता हूँ। इस गांव में मैं काफी दिनों तक रहा हूँ, तो मेरे को पता है इस गेट के अंदर एक छोटा महल है, क्योंकि गढ़ के अंदर भी 3-4 महल है। तो यह महल ज्यादा खास है, इसलिए मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन इधर भी लॉक लगा है इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा। और कोई नहीं, इधर तक आया वो भी बहुत बड़ी बात है। इधर से लॉक होने की वजह से मेरे को वापस बाहर जाना पड़ेगा घर से, और यहीं से रास्ता नहीं था। इधर से ऐसे भी मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ इसके, लेकिन बाहर से जो लोग देखेंगे आने जाने वाले ठीक नहीं लगेगा। उस साइड मौसी का घर, मैं वहाँ से इसको देखा था और सोचा आपको दिखाऊंगा, लेकिन इधर आने के बाद ये पूरा लोग है जो इधर रहते हैं वो स्कूल चलाते हैं फिलहाल सामने की तरफ, वो बोलते हैं कि आज हम फ्री नहीं है, आप संडे को आएंगे तो हम पूरा गढ़ दिखा देंगे आपको। लगभग 50-60 लोग लगे अंदर, वो खोलेंगे उसके बाद दिखाएंगे, तो क्या दिखाना, उनको भी मेहनत लगेगी। इसलिए मैं सोचा नहीं क्यों ना इधर उधर चढ़ के आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, और बाकी कभी टाइम मिलेगा तो आपको अच्छे से दिखा दूँगा।
तो भाइयों गढ़ कैसा लगा आपको? मेरे को तो काफी शानदार लगा और आपको भी काफी शानदार लगेगा जब आप गढ़ को अंदर से देखोगे। तो अंदर से आज मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि जो गढ़ के लास्ट ठाकुर हैं अभी ठाकुर मान सिंह जी, इन्होंने इधर खोल रखी है मयूर अकेडमी जिसमें काफ़ी शानदार पढ़ाई होती है। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को बताया था कि लीलाधर जी आज हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आज संडे नहीं है, आप संडे को देख के आइए तो हम आपको अंदर से हर एक चीज़ें और इतिहास से रूबरू कराएंगे और आपके सब्सक्राइब को भी। तो कोई नहीं, फिर भी मैं आपको बार बार का दिखाए रहा हूँ, तब तक देखते रहिए। और बाकी गढ़ों की तरह ये गढ़ भी अपनी एक अलग ही पहचान और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस गढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ध्यान रखा गया। मजबूत और खूबसूरत होने के साथ ये सीकर जिले के गाड़ोदा गांव में स्थित है। इस गढ़ की स्थापना सीकर के प्रतापी शासक राव सिंह जी के छोटे भाई स्वरूप सिंह जी ने की थी। गाड़ोदा राव जी का एक शेखावतों का महत्वपूर्ण ठिकाना है। स्वरूप सिंह जी के पुत्र थान सिंह जी ने विक्रम संवत 1803 में बाखरों की लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुए थे और वो ठिकाना सीकर स्टेट का ठिकाना है। इतिहास की मोटी किताबों में समेटे इस गढ़ का इतिहास काफी रोचक रहा है। इसके बहुत किस्से हैं जो मैं आपको, जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जो लास्ट ठाकुर हैं उनसे रूबरू कराऊंगा और साथ में इस गढ़ का इतिहास उन्हीं के मुख से बताऊंगा, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। बाकी जो सेकंड पार्ट आएगा इस गाड़ोदा गढ़ का वो काफ़ी रोचक रहने वाला है। फिर भी एक किस्सा मैं आपको इधर का ज़रूर सुनाऊंगा। एक बार सीकर के ठाकुर देवी सिंह इधर आए थे तो उनको इधर एक घोड़ा दिखाई दिया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो उन्होंने उस घोड़े की डिमांड रख दी। उस टाइम इधर के जागीरदार ठाकुर नत्थु सिंह हुआ करते थे। नत्थु सिंह पारिवारिक रिश्ते में देवी सिंह के काका लगते थे, तो नत्थु सिंह ने घोड़े के लिए साफ मना कर दिया, अपना मान सम्मान समझते हुए घोड़े के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। तो ये बात देवी सिंह ने दिल पे ले ली और गाड़ोदागढ़ के ठाकुर नत्थु सिंह से बदला लेने की सोची और बदला उन्होंने इस प्रकार लिया। सीकर दरबार से गई बारात तो बारात में गाड़ोदा दरबार के जितने भी ठाकुर थे उनको भी इनविटेशन किया, तो वो सारे चले गए और गढ़ के अंदर ठाकुराइन और बाकी जो महिलाएं थी वही बची थी, उनके अलावा एक भी पुरुष गढ़ में नहीं था। तो पीछे से सीकर दरबार ने हमला करवा दिया। तो भाई बाकी की कहानी और इतिहास मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अब तक वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और अगली वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है क्योंकि जितना भी इतिहास मैं आपको ठाकुर मान सिंह और रघुवीर सिंह जो दोनों इधर बैठे हुए हैं उनके द्वारा बताऊंगा और ये अंदर का है काफ़ी शानदार फोटो। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो एक बार ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।